इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले अजीत पवार की बगावत को लेकर के चर्चा थी, लेकिन जैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिली तो महाविकास आघाड़ी में सियासी हलचल तेज हो गई। और जिस अजीत पवार को लेकर के ये कयास लगाया जा रहा था कि किसी भी वक्त एनसीपी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, वही अजीत पवार अब महाविकास आघाड़ी के लिए रणनीति बनाने के काम में जुट गए। और इस बार खुद अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों का चयन कैसे किया जाए, इस पर विस्तार से जानकारी भी साझा की है। इतना ही नहीं, महाविकास आघाड़ी को कैसे सभी चुनाव जिताने की पूरी योजना की जानकारी अजीत पवार ने दी है, वो भी आप समझ लीजिए। लेकिन इसके बीच में सवाल उठना लाजमी है कि क्या अजीत पवार ही अब शरद पवार की तरफ से फैसला लेंगे। एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का फैसला करने के लिए एक पैनल बनाने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक सहयोगी दल से 2 सदस्य हो सकते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव बीजेपी की हार ने महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस गठबंधन के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। और गठबंधन अब इस बात पर विचार करने लगा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव में एकजुट होकर महाराष्ट्र में सत्ताधारी पार्टी को चुनौती दी जा सके। पवार ने कहा कि प्रत्येक पार्टी शायद लोकसभा चुनावों के उम्मीदवार पर चर्चा करने के लिए 2 नेताओं को नामित करेगी और 3 मुख्य पार्टियों के सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत करेंगी। और रविवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर एमबीए के प्रमुख सदस्यों की बैठक के बारे में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, सांसद संजय राउत और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और साथवें नसीम खान भी शामिल हुए थे। बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर अविभाजित शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। इस बात का जिक्र करते हुए कि कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, पवार ने कहा कि बैठक में यह भी तय किया गया है कि एमबीए की वज्रमुठ रैलियां कहां आयोजित की जा सकती हैं। वहीं एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने रविवार को कहा कि एमबीए की वज्रमुठ रैली जो अभी रुकी हुई है, गर्मी के बाद फिर से शुरू होंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 13 मई को घोषित नतीजे में एमवीए में शामिल कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की। कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते हुए 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत प्राप्त की है, जबकि सत्ताधारी बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर को क्रमशः 66 में से 19 सीटें मिली। जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने सियासी तौर पर करिश्मा दिखाया, उसके बाद से जिस भी राज्य में आगामी 1 या 2 साल के बीच में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां के नेताओं के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस को साथ में लेकर के चलने के लिए काफी सोच विचार कर रही थी, वहीं पार्टियों की तरफ से कांग्रेस को महत्व मिलने लगा है। और इसकी ताजा बानगी तब देखने को मिली जब कांग्रेस की धुर विरोधी कही जाने वाली ममता बनर्जी ने भी इशारों में इस बात का संकेत दे दिया कि भी कांग्रेस को मदद देने के लिए इच्छुक हैं। इसका मतलब साफ है कि अब आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस को इस जीत ने संजीवनी का काम किया है। और यही कारण है कि जो अजीत पवार कांग्रेस को नसीहत देने से बाज नहीं आते थे, अब वही बैठ कर के रणनीति बना रहे हैं। वीडियो डेज कमर उजाला.com।